किताब पहेली, राइटर ताहिर जावेद मुगल, एपिसोड 3। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई किताब और हर नई एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। ये गालबन पांचवें रोज की बात थी। शाम को सरमत तस्लीम और काशिफ के साथ कैरम खेलने में मसरूफ था। खेलने के साथ साथ तस्लीम नन्हे रेहान को दूध भी पिला रही थी। उसने रेहान को चादर में छुपाया हुआ था और गैर महसूस तौर पर एक तरफ को झुकी हुई थी। औरत का वही अंदाज जो उसे सबसे खूबसूरत रूप अता करता है। चेहरे पर ममता बरसती हुई आंखों में सरूर सा। अचानक वो चौंक गई। किचन में हांडी के नीचे आंच कुछ तेज थी। उसके हसास और मुशाक नथनों ने मिर्च के जलने की बू बड़े इब्तदाई मरहले में महसूस कर ली थी। उसने रेहान को एक झटके के साथ खुद से जुदा किया और कालीन पर लटा दिया। वो इस अचानक बेदहली पर झंझलाया हुआ नजर आया। गुलाब होंठों पर अभी तक सफेद ममता के कतरे थे। तस्लीम हांडी से उलझने के लिए किचन की तरफ दौड़ चुकी थी। सरमद ने मुंह बसूरते रेहान का सर अपने जानों पर रखा और थपकने लगा। यही वक्त था कि जब शुबाना की कॉल आ गई। सरमद ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ खामोशी रही। बस बातों और कहकहू का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। सरमद ने जब तीसरी बार हेलो कहा तो दूसरी तरफ से शुबाना की शोही और लगावट में गुंधी हुई आवाज सुनाई दी। हेलो, कैसे हैं आप? सरमद ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। दरवाजा बंद था और तस्लीम नजर नहीं आ रही थी। वो दबे लहजे में बोला, बस ठीक हूँ। तुमने इस वक्त कैसे फोन कर लिया? बस दिल चाहा और कर लिया। बाजी, तस्लीम किधर हैं? ज्यादा दूर नहीं है। बुलाओ ने, चलो खुद ही आ जाएंगी इतनी देर में, हम बात कर लेते हैं। उसके लहजे में जानी पहचानी मानवीयत थी, लेकिन इस वक्त तो सारे एक जैसे होते हैं। बस दिल की मौसम की बात होती है जनाब। तुम्हारे दिल का मौसम मेरे घर के मौसम से मैल नहीं खा रहा। मेरा मतलब है कि तस्लीम चंद मिनट के लिए किचन में गई है। चंद मिनट भी बहुत हैं, वो अदाई बेनियाजी से बोली। कभी कभी वो बिल्कुल मस्त मलंग लगने लगती थी। हर मसलेहत से बालातर अपनी मन की मौज में बहने वाली। अच्छा, क्या कहना है? वो आज इस आ जाने वाले लहजे में बोला। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आपकी आवाज सुनने को दिल चाह रहा था। यहाँ एक शादी के फंक्शन पर आई हुई हूँ। हालूजान भी साथ हैं। मर्दों की तरफ बैठे हैं। किरण और समन हाला जैनब के पास हैं। मैंने यहाँ फोन पड़े देखा, बस मचल गई। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर पूछने लगी, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या कर रहा हूँगा? उसके मुंह से खून की तवील आवाज निकली, जैसे सोच रही हो और तसव्वुर की निगाह से देख रही हो। आप अपनी सफेद शलवार और कमीज पहने कॉमन रूम में बैठे होंगे और बाजी और काशिफ के साथ कैरम या लूडो खेल रहे होंगे। सरमद मुस्कुराए बगैर न रह सका। तुम देवता वाले फरहाद अली तैमूर की रिश्तेदार लगती हो। अच्छा, अब बताएं मैं क्या कर रही हूँ? बस इतना पता है कि फोन कर रही हो। ये तो कोई जवाब नहीं, वो इठला कर बोली। फिर कहने लगी, अच्छा मैं खुद ही बता देती हूँ। मैंने इस वक्त वही अनाबी रंग की साड़ी पहन रखी है जिसकी तारीफ आपने पिछले माह बाजी तस्लीम के सामने ही की थी। साथ ही सुर्ख सैंडल हैं जो राहिल ने कवेर से भेजे थे। मैंने बाल साइड से निकाल कर बना रखे हैं और जूड़ा भी लगाया है। आपको फोन करने के साथ साथ मैं मैचिंग नेल पॉलिश लगाने की कोशिश भी कर रही हूँ। वो जो कुछ भी बता रही थी बिल्कुल बेमौका लग रहा था, लेकिन वो ऐसी बेमौका बातें ना करती तो फिर उसे शुबाना कौन कहता? सरमद को लगा कि उसने शायद थोड़ी देर पहले आईना देखा है। आईने में वो खुद को खूबसूरत लगी है। खूबसूरत लगने की खुशी में उसने सरमद को फोन कर दिया है। तो तस्लीम आ रही है, उससे बात कर लो। सरमद ने तस्लीम की चाप सुनकर फौरन इत्तला दी। कुछ देर बाद तस्लीम और शुबाना गुल मिलकर बातें कर रही थी। हवादीन की वही बातें जिनके आगाज का तो पता होता है, अंजाम का कोई पता नहीं होता। इन दोनों की बातें सुनकर कौन कह सकता है कि इनमें से एक वो नहीं है जो नजर आता है। उसके जाहिर और बातन में फर्क है। दो दिन बाद फिर वही रेशमी रात थी, वही ख्वाहिश अंगेज सन्नाटा था, वही बहके हुए कदम थे। बज़ाहिर इनके दरमियान कई मील का फासला था, लेकिन सोच की नगरी में वो पास पास लेटे थे
और सरगोशियां कर रहे थे। सरमद, हम जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है ना? पता नहीं, सरमद मिन मनाया, बाजी तस्लीम क्या सोचेंगी? किसी और को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा? ये सब कुछ बहुत गलत है ना सरमद? वो खामोश रहा। जिस्म की तपिश और इस तपिश से पैदा होने वाला उबाल कम होने लगा। वो बोली, कितना अच्छा होता हम पहले मिले होते, कितना अच्छा होता। पहले मिले होते तो क्या होता, मैं आपको बता देती कि प्यार कैसे किया जाता है, वो जज्बात से बोझल आवाज में बोली। अब क्या हो सकता है, सरमद ने स्पॉट लहजे में कहा। शायद उसने सरमद के लहजे में छुपी हुई हल्की सी नाराजगी और उदासी महसूस कर रही थी। फौरन अपने चंचल और गुदगुदाते अंदाज पर लौट आई। अच्छा, मैं एक गीत सुनाती हूँ। उसे पहली बार सरमद की फरमाइश के बगैर ही अमादगी जाहिर कर दी। बताएं कौन सा सुनाऊं? वो किसी टीनेजर की तरह इठलाकर बोली, जो तुम्हारा दिल चाहे। सरमद ने कहा। वो मैडोना का एक मारूफ गीत गाने लगी। गाते हुए वो अपनी आवाज बहुत ही बारीक कर लेती थी। ऐसा करके वो बुलंद तरीन शुरू में भी बहुत आसानी में पहुंच जाती थी। गीत खत्म करने के बाद वो हसबे आदत थोड़ा सा हंसी और हमेशा की तरह पूछा, कैसा है? बहुत खूब, सरमद ने कहा। वो एक बार फिर उस तहियल में खो गए जो टेलीफोन के तारों के जरिए उन्हें एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आता था। एक ही बिस्तर पर उनके दरमियान चंद इंच की दूरी बाकी रह जाती थी। ये दूरी भी बदतरीज कम हो रही थी। ये अजीब खेल था, मजनूनाना लेकिन पूर्ण लुत्फ। मेरे करीब हो ना, सरमद ने पूछा। हाँ, बहुत करीब, वो हाबनाक सरगोशी में बोली। तुम्हारा मुंह माउथपीस के करीब है ना? हूँ, मेरा भी करीब है। दूसरी तरफ बस सांस सुनाई देती रही। तुम्हारा हाथ थाम लो। थाम लें? कौन सा? सरमद ने पूछा। सुलगती हुई मदम हंसी सुनाई दी। दाया। थाम लिया, सरमद ने कहा, और उसे वाकई लगा कि उसने शुबाना कर नरम गरम हाथ थाम लिया। वो हाथ जिसके पीछे मरमरी बाजू हैं और जिसके पीछे एक तना हुआ जिस्म है, वो जिस्म जिस पर सच कर हर लिबास खूबसूरत हो जाता है, और अगर वो साड़ी हो तो फिर इसकी खूबसूरती का ठिकाना नहीं रहता। अचानक कमरे का दरवाजा धड़धड़ बजने लगा। सरमद ने जैसे बिजली के नंगे तार छू लिया था। वो उछल कर बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला उसने कब रिसीवर नीचे रखा और कब अपनी लरसती टांगों पर खड़ा हुआ। दरवाजा एक बार फिर जोर से धड़धड़ाया। उसकी आवाज से ही अंदाजा हो जाता था कि उसे अकब में खड़ा मौजूद फर्द गुस्से में फुंक रहा है। गालबन ये फर्द तस्लीम ही थी। फिर इसकी तस्दीक भी तो हो गई। वो फुंकारती हुई आवाज में बोली, दरवाजा खोले सरमद, दरवाजा खोले। वो लिबास दुरुस्त करते हुए दरवाजे तक पहुंचा और चटहनी गिरा दी। तस्लीम इसके सामने थी। उसकी आंखों से जैसे अश्क और अंगारे एक साथ बरस रहे थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या कर रहे थे आप? किससे बातें कर रहे थे? उसने सवाल किया। और अपने मर्द से इस सवाल का हक औरत खुद रोजे अव्वल से रखती है। यही वजह है कि जब जहां और जिस जमाने में भी वो इस नोह का सवाल करती है, उसकी आवाज में एक खुदादाद ताकत और कड़क आ जाती है। सरमद सुम बुकमुन खड़ा था। उसके जबड़े मजबूती से चकड़े हुए थे। तस्लीम ने अपने हाथों से उसके दोनों शाने थाम लिए और उसे झंझूड़ते हुए बोली, आप बताते क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मैं अंधी और बहरी नहीं हूं। मुझे बताएं किससे बातें कर रहे हैं आप? वो दोस्त था एक। झूठ मत बोले, वो चीख कर बोली। फिर वो दीवार से माथा टेक कर बुलंद आवाज में रोने लगी। रोते रोते ही उसने एकदम तितर बितर चेहरा उठाया और गरजी, मैं सब जानती हूँ। ये वही हरामजादी कुतिया है जो दिन रात आपको चिमटी हुई है। फोन करती है, तोहफे भेजती है, बहाने बहाने से घर के चक्कर लगाती है। कभी उसकी बच्ची बीमार हो जाती है, कभी उसका बंदा कुवैत में गुम हो जाता है, कभी उसे बैंक में काम पड़ जाता है। आप पाकिस्तान में सबसे बड़े मुसव्वर हैं और वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आपकी तस्वीरों को समझने वाली। वो डाइन है, उसे मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक सांस में बोलते चलेगी और फिर निडाल होकर सोफे पर गिर गई। मेरी बात सुनो तस्लीम, सरमद उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला। तस्लीम ने एक मुश्तल झटके से उसका हाथ पीछे किया और तेज कदमों से बेडरूम की तरफ लपक गई। वो रात भर रोती रही और सरमद उसके पहलू में गुमसुम लेटा रहा। उसने तस्लीम से कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की।
सरमद को मालूम था कि इस वक्त कुछ भी कहना सुनना बेकार है। वो रह रहकर सोचने लगता था कि तस्लीम ने इसकी चोरी कैसे पकड़ी। बेडरूम स्टडी के दरमियान 45 फुट की दूरी पर था। दरमियान में एक कॉरिडोर था और दो दरवाजे थे। फोन पर की जाने वाली सरगोशियों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। यूं लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सरमद की खोज में थी। सरमद को चंद पुरानी बातें याद आने लगी और वो तजिया करने लगा कि तस्लीम के रवैये में कहां कहां शक की परछाइयां नजर आती रही हैं। सुबह सरमद घर की बलाई मंजिल पर गया। उसे एक शक सा हुआ था। कुछ अरसे पहले फोन की एक एक्सटेंशन बलाई मंजिल पर रखी गई थी, लेकिन बाद में यह फोन खत्म कर दिया गया था। एक्सटेंशन का तार गारबन वहीं कहीं मौजूद था। सरमद ने ढूंढा और तार एक सोफे के अकब से मिल गया। तार के सिरे ताजा ताजा छिले हुए थे। अंदाजा होता था कि तार को हाल ही में इस्तेमाल किया गया है। अब सारी बात सरमद की समझ में आने लगी। तस्लीम ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए इस मतरूक तार के जरिए शबाना के साथ इसकी गुफ्तगू सुनी थी और अपने शकूक को ठोस हकीकत में बदला था। एहसास नदामत से उसके मुसामों से पसीना बहने लगा। उसे वो सब कुछ याद आया जो कल शब उसने शबाना से और शबाना ने इससे कहा था। इसके साथ ही तस्लीम के लिए एक तरह का गुस्सा भी उसके अंदर नमूदार हुआ। उसे सरमद पर कड़ी नजर रखी थी और एक चौकस बीवी की हैसियत से उसे किसी तरह की रियायत नहीं दी थी। सरमद को याद आया कि कल वो किस तरह दीवानावार दरवाजा पीटने लगी और इसे आवाजें देने लगी थी। सरमद ने फौरन फोन मुनकता कर दिया था, लेकिन इस अमर का इम्कान मौजूद था कि इस हलचल की बाजगश्त शबाना के कान तक भी पहुंच गई हो। शबाना का रद्दे अमल क्या होगा, वो सोचने लगा और परेशान होने लगा। फिर इसके दिल में एक नया अंदेशा जागा कि कहीं ऐसा ना हो कि भड़की हुई तस्लीम शबाना से जाकर उलझ जाए, या फिर अंकल उस्मानी को ही उल्टा सीधा फोन कर दे। तस्लीम ने नाश्ता नहीं किया। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। ताहम सरमद का नाश्ता उसने टेबल पर रख दिया। सरमद ने भी नाश्ते को हाथ नहीं लगाया। सारे घर पर एक सोगवारी सी तारी थी। बच्चे भी न जाने क्यों सहमे से नजर आते थे। काशी को स्कूल ले जाने से पहले सरमद कमरे में गया। तस्लीम सोफे पर पांव रखे बैठी थी, सर घुटनों में दे रखा था। यकीनन वो आंसू बहा रही थी। सरमद चंद सेकंड खामोश खड़ा रहा, फिर भराई हुई आवाज में बोला, जो कुछ हुआ है उसे घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। किसी तरह का तमाशा ना लगा लेना आप। आवाज में नदामत कम और नाराजगी ज्यादा थी। तस्लीम उसी तरह बैठी रही। उसके जिस्म में जुम्बश तक नहीं हुई। चेहरा घुटनों में छुपाया हुआ था। शलवार के गुलाबी पांचों के नीचे सफेद पांव आंसुओं से भीगे हुए थे। दिन ब दिन हालात में बदतरीज किसी न किसी तरह से बेहतरी पैदा होने लगी। उस दिन के बाद से शबाना के साथ भी उसकी कोई बात नहीं हुई थी। सरमद ने फोन करने की कोशिश की थी, ना शबाना ने फोन किया था। अंदाजा होता था कि उस दिन शबाना ने दरवाजा धड़धड़ाने और तस्लीम के पुकारने की आवाज सुन ली थी और दूर बैठकर हालात का अंदाजा कर लिया था। अब वो यकसर दम साध कर बैठी हुई थी। जो जो दिन गुजरते गए, इस वाके की शिद्दत कम होती गई। तस्लीम के हवाले से सरमद का डर कुछ कम हो गया। शबाना का ख्याल एक बार फिर दिलो दिमाग में सरसराने लगा। वो इससे बात करना चाहता था और मालूम करना चाहता था कि वो क्या सोच रही है और उसके एहसासात किस नौयत के हैं। ये बात तो तय थी कि अब वो इतनी आसानी से एक दूसरे को भूल नहीं सकेंगे। उन्होंने कसदन या सहवन एक रास्ते पर सफर किया था, इस पर आगे बढ़े थे। रास्ते की गर्द के जर्रे उसके दिलो दिमाग से चिमटे हुए थे। वो इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते थे। एक दिन अचानक शबाना का फोन आ गया। वो शॉप पर था, कोई गाहक भी नहीं था। वो शीशे के बंद कमरे में वसी मेज के सामने बैठा था। शबाना की दबी दबी आवाज सरमद के कानों में गूंजी और उसके पजमुर्दा रगोपे में जिंदगी की लहर दौड़ गई। शबाना ने उदासी वाली आवाज में कहा, कैसे हैं आप? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। पिछले 10-12 रोज से, सरमद ने कहा। उस रात क्या हुआ था? दरवाजा बजने की आवाजें आई थी और साथ ही बाजी भी बहुत जोर से बोल रही थी। बस वो परेशान थी कि मैं इतनी रात के तक स्टडी में घुस बैठा हूँ। उस रात उसकी तबीयत कुछ खराब थी, बस इसीलिए सीख पा हो गई।
मुझे लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें किसी तरह पता चल गया है कि हम फोन पर सारी सारी रात बात करते रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शुबाना। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि वो शक में पड़ गई है। मेरा दिल नहीं मान रहा सरमत, शुबाना ने तफक्कुर अमेज उदासी से कहा, फिर जरा तवक्कुफ से बोली, इधर भी हालात गड़बड़ हैं। हालू एकदम गुमसुम और हफा नजर आते हैं। उन्होंने फोन भी कॉरिडोर में रखवा दिया है। मुझे तो एक और शक हो रहा है, वो पुरंदेश आवाज में बोली। कैसा शक? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजी तस्लीम ने ही हालू जान से कुछ कह दिया हो? वो अक्सर फोन पर इनसे बात कर लेती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सरमजी कहते कहते रह गया कि मैंने तस्लीम को इस हवाले से सख्ती से मना कर दिया था। कुछ भी है सरमद, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाजी क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? और अगर राहिल को पता चल गया तो क्या होगा? वो तो पहले ही उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। कुछ नहीं होगा शुबाना, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप मर्द हैं इसलिए ये बात कह सकते हैं। एक औरत की मजबूरियों का आपको क्या पता? मुझे डर लग रहा है कि कहीं हालू जान राहिल के कानों में कुछ ना कुछ फूंक ना दे। वो यहाँ की जरा जरा सी बात कवेत में उस तक पहुंचाते हैं। हर दूसरे रोज टेलीफोन पर लगे बैठे होते हैं। अजीब सी टेंशन पैदा कर रखी है उन्होंने। शुबाना, खुद को दूर दराज के अंदेशों में मुबतला ना करो। अंकल उस्मानी के चुप होने की कोई और वजह भी हो सकती है। इसी तरह तस्लीम के सिलसिले में भी तुम्हारे अंदेशे सबके सब ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो है सरमत, और जितना कुछ भी है उसकी मुजरिम मैं हूँ। तुम्हारी ये बात भी गलत है। अगर किसी मामले में हम कसूरवार हैं तो फिर हम दोनों हैं। तुम हाँ हाँ अपने दिल पर बोझ मत लो। वो चुप रही, शायद आंसू बहा रही थी। सरमद ने पूछा, अब कब फोन करोगी? सरमद का ख्याल था कि शायद वो कोई हौसला शिकन जवाब देगी, कहेगी कि अब ये सिलसिला खत्म कर देना चाहिए या इस किस्म की कोई और बात, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, घर पर फोन नहीं करूंगी, जुम्मे के दिन ठीक इसी वक्त शॉप पर कॉल किया करूंगी, यानी पूरे एक हफ्ते के बाद। सरमद ने कहा, हाँ सरमद, मुझे बहुत डर लग रहा है। हालू जान बुरी तरह चौंके हुए हैं, मुझ पर कड़ी नजर रख रहे हैं, कहीं आते जाते भी नहीं, सिर्फ जुम्मे के दिन मजबूरन निकलते हैं। उन्हें अस्पताल जाना होता है चेकअप करवाने के लिए। रस्मि कलमात की अदायगी के बाद उसने फोन बंद कर दिया। उससे बात करते करते सरमद को कभी कभार लगता था कि वो एक घरेलू खातून से नहीं किसी फर्स्ट ईयर की लड़की से बात कर रहा है। अजीब सा वालेहानापन और मूजोर जज्बा झलकने लगता था। उसकी गुफ्तगू से वो एक तुंद बहाव की तरह लगती थी, उछलती कूदती सरकश, अपने साथ हर शय को बहा कर ले जाना चाहती थी। वो अपनी बच्चियों से, अपने घर से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो जिस राह पर चल रही थी वो घरों को खत्म कर देती है। वो तस्लीम से दोस्ती का दम भरती थी, उसको तहाइफ देती थी और हर तरह से मोहब्बत का इजहार करती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो उसके शौहर पर भी नजर रखे हुए थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि वो हालात के रुख से डर गई है और इन हालात की बेशतर जिम्मेदारी खुद उस पर आयद होती थी, लेकिन उसके साथ ही वो जुम्मे के जुम्मे फोन करने का भी वादा करती थी। उसकी बातों से यह अंदाजा हो रहा था कि अभी ये रुमानवी सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। शुबाना का तजिया करने के बाद सरमद खुद अपने आप को मलामत करने में मसरूफ हो गया। वो इस मामले में खुद भी बरियुल जिम्मा नहीं था। बेशक शुबाना ने अहम किरदार अदा किया था, लेकिन सानवी किरदार इसका भी था। लेकिन तस्लीम ने ऐसा नहीं किया था। सरमद सर हिलाकर रह गया। सरमद एक जहां दीदा जूद फहम शख्स था। कहते हैं तुम्हें गुनगुना कर सुना दूं?